नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए समिति के चारों सदस्य हैं किसान कानूनों के समर्थक। तेलंगाना, काश्तकार किसानों पर नए कृषि कानूनों की सबसे अधिक मार। बिहार, आरटीआई कार्यकर्ता झेल रहे हैं उत्पीड़न लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हमारी चौथी आखिरी खबर कश्मीर से। पिछले कई दिनों से बंद पड़ा है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, ट्रक ड्राइवर्स हैं परेशान। डेढ़ महीने से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर जाड़े और बरसात में बैठे किसानों को लेकर कोर्ट अचानक से इस कदर चिंतित हुआ है कि उन्हें बिना मांगे चार सदस्यीय एक कमेटी थमा दी है, जैसे केंद्र सरकार ने बिना मांगे तीन कानून पकड़ा दिए थे। अशोक गुलाटी, भूपेंद्र सिंह मान, अनिल घनावत और डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी इस कमेटी के सदस्य होंगे। हालांकि किसानों की तरफ से मिली प्रतिक्रिया में उन्होंने कानून को वापस लिए जाने की अपनी मांग फिर से दोहराई। उन्होंने कहा है कि कानूनों को होल्ड पर रखने से समस्या का समाधान नहीं होगा, इसका एकमात्र समाधान तीनों कानूनों को रिपील यानी कि वापस ही करना पड़ेगा। मध्यस्थता के लिए कोर्ट की ओर से कमेटी बनाए जाने को लेकर भी किसानों में कोई उत्साह नहीं दिखाई दिया। हालांकि किसान नेताओं ने साफ किया कि यह कमेटी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि कमेटी में शामिल चारों सदस्यों पहले से ही इन कानूनों के पक्ष में रहे हैं और अगर नहीं भी रहे होते तो कमेटी उन्हें उसूलन स्वीकार नहीं होती थी। कमेटी में शामिल अशोक गुलाटी एक कृषि अर्थशास्त्री हैं और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं। किसान बिलों पर अपनी राय रखते हुए उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में लिखा था, विपक्ष एमएसपी को कानून बनाने के लिए कर रहा है, जिसका अर्थ है एमएसपी से नीचे खरीदने वाले निजी व्यापारियों को जेल हो सकती है, इससे तो बाजार में तबाही आ जाएगी, प्राइवेट प्लेयर्स खरीद से कतराएंगे। कमेटी के दूसरे सदस्य अनिल घनावत शेतकारी संगठन महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। अनिल घनावत खुलकर कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं और सरकार से गुजारिश कर चुके हैं कि ये कानून वापस नहीं लिए जाने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, प्राइवेट मंडी और रिलायंस जैसे बड़े घराने की कृषि के क्षेत्र में आवक को सही मानते हैं। कमेटी के तीसरे सदस्य भूपेंद्र सिंह मान राज्यसभा के सांसद रहे हैं, अखिल भारतीय किसान संयोजन समिति के अध्यक्ष भी हैं। ये वही अखिल भारतीय किसान संयोजन समिति है जिसने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर कानूनों का समर्थन किया था, कहा था कि कुछ संशोधन करने चाहिए लेकिन कानून को वापस नहीं लेना चाहिए। द हिंदू में 14 दिसंबर 2020 को छपी एक रिपोर्ट के अनुसार भूपेंद्र सिंह का कहना है, कृषि को प्रतियोगी बनाने के लिए सुधार करना जरूरी है लेकिन किसानों के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और कानूनों की विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए। डॉक्टर प्रमोद जोशी इस कमेटी के चौथे सदस्य हैं और साउथ एशिया अंतर्राष्ट्रीय फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक भी हैं। कृषि विज्ञान एवं तकनीक और विकास के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन हेतु वर्ल्ड बैंक द्वारा बनाए गए पैनल का हिस्सा भी रह चुके हैं। कृषि कानूनों पर अपनी राय रखते हुए डॉक्टर जोशी ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस अखबार में अपना मत रखते हुए लिखा था, किसानों का ये दावा है कि कृषि कानून किसानों और उनके संगठनों से विमर्श के बिना बनाए गए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कृषि बाजार को नियंत्रण मुक्त करने के बारे में 2 दशकों से चर्चा चल रही है, किसान बार बार अपनी मांगें बदल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कमेटी के सदस्यों का चयन उसकी मंशा पर सवाल उठाता है। हमारी अगली खबर में बात करेंगे दक्षिण भारत के हैदराबाद से, जहां किसान अधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों से काश्तकार किसानों का इससे बुरी तरह से प्रभावित होने की आशंका है, क्योंकि उनकी सामाजिक हैसियत और आजीविका इससे प्रभावित होने जा रही है। तेलंगाना में किसान संगठनों का दावा है कि निजाम के दौर से लेकर वर्तमान में मौजूदा तेलंगाना राष्ट्र समिति के दौर तक में कृषि समुदायों के बीच में यदि कोई वर्ग सबसे अधिक संकटग्रस्त स्थिति में रहा है तो वे काश्तकार किसान ही रहे हैं। किसान संगठनों के अनुसार तेलंगाना में करीब 14 से 18 लाख पट्टेदार किसान हैं, जो कुल 1.25 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि में से लगभग 14% पर खेती कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने फरवरी 2019 में घोषित कर दिया था कि सरकार पट्टेदार किसानों एवं खेतीहर मजदूरों को किसान नहीं मानती। ऐसे में राज्य सरकार जहां किसानों को रायतू बंधु योजना के तहत प्रति एकड़ पर प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की निवेश सहायता प्रदान करती है, वहीं पट्टेदार किसानों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। इसका अर्थ यही हुआ कि भूमि के मालिकों को यह धन प्राप्त होगा
भले ही उनकी जमीनों पर खेती का सारा कामकाज काश्तकार किसानों द्वारा ही क्यों न किया जा रहा हो। सूचना के अधिकार को लागू हुए 15 साल हो गए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि RTI 2005 में लागू हुआ था। इस कानून के लागू होने के बाद जनता तक वो सूचनाएं पहुंचने लगी जो इससे पहले सरकार जनता के समक्ष रखने से कतराती थी। परंतु ऐसे कई राज्य हैं जहां RTI कार्यकर्ताओं को अपनी सुरक्षा पर खेलते हुए इन सूचनाओं को जनता के सामने रखना पड़ता है। सुरक्षा की तरफ से खराब स्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। बिहार उन राज्यों में से एक है जहां की RTI कार्यकर्ताओं की सुरक्षा स्थिति काफी खराब है। राज्य में पिछले 10 वर्षों में 17 कार्यकर्ताओं की हत्या और अन्य के साथ कई हिंसा घटनाएं हुई हैं। राज्य अधिकार मंच की कई शिकायतों के बाद बिहार गृह मंत्रालय ने प्रदेश में RTI कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुए हिंसा के मामलों की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में सरकार द्वारा एक और आदेश निकाला गया है जिसमें कहा है कि सभी मामलों को 1 महीने के भीतर पुलिस अधीक्षक SP की देखरेख में निपटाया जाना चाहिए। अगर किसी मामले को लेकर SP के खिलाफ शिकायत की गई तो उसकी सुनवाई पुलिस महानिदेशक को करनी पड़ेगी। हमारी आखिरी खबर कश्मीर से है जहां पर 270 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर हाईवे पिछले 3 दिनों से भारी बर्फबारी के कारण बंद है, जिसके कारण सबसे अधिक परेशानी इस सड़क पर चलने वाले ट्रक ड्राइवरों को हो रही है। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई सहायता नहीं मिल रही है। देखिए क्या है कहना इस पर फंसे लोगों का हमारी इस खास रिपोर्ट में। हमें आज इधर हो गया कम से कम 5 दिन फंसे हो इस लाइन में, ना इधर सर को खाने की बंदोबस्त है ना कुछ। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें आती है सर, सुबह बाथरूम जाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है हमारे लिए यहाँ पे। इस वक्त जो है हम भी इसी नेशनल हाईवे के ऊपर ही रहते हैं, ये साथ में मेरा घर भी है। और हमारी जो है सरकार जो है इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के अंडर जो सरकार चल रही है हमारे इस स्टेट में, तो दावत तो बहुत कर रहे हैं ये, लेकिन ये नेशनल हाईवे की बात, जहाँ हम ये 4-वे है, इसकी आप तो देख ही रहे हो खुद कि इसकी हालत क्या है। पिछले 12 साल से हम यहाँ चल रहे हैं, लेकिन जो आज की हालातें चल रही है सर, ऐसी हालातें हमने आज तक नहीं देखी। परेशानी है इधर, रोड के चलते भी तो बर्फ के चलते भी। बर्फ में तो चलो खाना तो बना लेते हैं, किसी में पूछा नहीं गवर्नमेंट ने, पर इधर लैटरिंग बाथरूम तो होना चाहिए, 1 किलोमीटर में 2 लैटरिंग बाथरूम तो होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। सरकार तो बोलती रहती है, सरकार का यही काम है बोलना, काम तो करते ही नहीं है वो। अभी इधर ही देखो कितनी गाड़ियाँ फंसी है, इधर तक मशीन तक नहीं लगा रहे हैं। पिछले साल हम देखा था इधर बोल रहे थे हम चावल दे रहे हैं, ये जिस दिन 2.5 दिन खड़े हुआ ना, ये गवर्नमेंट तरफ से तेल आया है, खाना दे रहे हैं, वो किसी ने नहीं दिया। 1 किलो चीनी दिया तो बोल रहे थे हम 5-5 किलो चीनी दिया, 5-5 किलो चावल दिया, ये दिया वो दिया, 1 किलो चावल दे के तो चले गए बस, वो भी बोलेगा लाइसेंस लेके आओ नहीं तो नहीं मिलेगा लाइसेंस। और गाड़ी में 3 आदमी है, तीनों के पास लाइसेंस होता है, ड्राइवर के पास होता है लाइसेंस, खलासी के साथ भी किस टाइम होता किस टाइम नहीं होता, तो परेशानी है जी। सर मेरे को भी 5 साल हो गए देखते हुए इस 4 लाइन का काम लगा हुआ है, पर ये तो रोड पहले से भी बदतर हो गया हुआ है, इतना मतलब खस्ता हालत है। हमें आने जाने में इधर 10 दिन लगते हैं श्रीनगर में, ये 3 दिन का काम है, यह हमें 10 दिन लग जाते हैं जब हालात अच्छा होता है, बर्फ नहीं भी होता तब भी। हमें सर बहुत नुकसान होता है, मतलब यह कि 10-20 हज़ार हमारा किराया लगता है जम्मू से, तो उसमें हमें 2 हज़ार की भी मतलब आमदनी नहीं होती है। यहाँ पे आते हैं 10 दिन हमारे यहाँ पे टूट जाते हैं सर, यहाँ से जम्मू के लिए जाते हैं वापसी उधमपुर में 10 दिन टूट जाते हैं सर, हमें जो हमारी ट्रांसपोर्ट है हमें कोई फ़ायदा नहीं है चल के, तो हमारा बहुत नुकसान ही नुकसान पे नुकसान होया जा रहा है सर। देखो गाड़ी वाले को क्या चाहिए, रोड अच्छा होना चाहिए हमारे लिए, खाने पीने की बंदोबस्त होनी चाहिए, इस टाइम में भी कुछ हमारे लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। कोई बंदा इधर रात को मेरा गाड़ी फंस गया पीछे, हमने खुद 4 घंटे बर्फ निकाला खुद, अभी सुबह से डोजर नहीं आया इधर, सुबह हम खुद बेलचे से गाड़ी साफ किया सर, एक बार भी डोजर नहीं आया सुबह से। इस नेशनल हाईवे में कहीं जो हादसे भी होते हैं, जो गाँव में कोई बीमार भी होता है, कोई डिलीवरी केस भी होता है, उसको कैसे फिर वो गांव वाले इस नेशनल हाईवे के ऊपर चलो पहुंचा देंगे, तो इधर यहाँ इस नेशनल हाईवे की हालत तो देख रहे हो, फिर हॉस्पिटल में कैसे उसको पहुंचाएंगे। हमारा हर चक्कर में कोई ना कोई टायर खराब होता है, कुछ ना कुछ नुकसान इस रोड की वजह से हमें जाता ही जाता है। मेन प्रॉब्लम हमारे दिन वो टूटते हैं,
पहले हमारी गाड़ियां चार चार चक्कर भी लगाती थी श्रीनगर का, आज एक भी नहीं लगता है। जब पैसा ही नहीं कमाएगी हमारी गाड़ी तो हमारा किस्त कैसे जाएगी, अपना घर का काम कैसे चलेगा, हमारे लिए तो सारा ही नुकसान है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।